हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडमायर ब्यूटी। मैं हूं अंजलि। क्या मैंने अपने बाल कटवा दिए हैं? सोचना भी मत, क्योंकि मैंने किए हैं पीछे से फोल्ड और जिसकी वजह से आगे से शॉर्ट दिख रहे हैं। तो लंबे बालों का यही फ़ायदा है कि आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती कटिंग करवाने की। आप फोल्ड कीजिए, अपने बालों को शॉर्ट बना लीजिए और आप उन्हें खोल दीजिए तो वो लॉन्ग तो है ही। आज का मेरा ये वीडियो भी हेयर के लिए ही है। हेयर की कंडीशनिंग कैसे करें, होममेड कंडीशनर कैसे बनाएं, ये मेरा वीडियो है आज का। क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था अपने पिछले शैम्पू वीडियो में कि मैं आपको नेचुरल कंडीशनर और शैम्पू भी बनाना सिखाऊंगी, तो मैंने आज ये नेचुरल कंडीशनर का वीडियो बनाया है। बहुत ही कमाल के कंडीशनर है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इन्हें बना सकते हैं और रिजल्ट काफ़ी अच्छे होंगे, जैसे कि मेरे हर रेमेडी में होता है। सो विदाउट एनी फर्दर ऑर्डर, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं फ्रेंड्स यहाँ पर दो रेमेडी बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले रेमेडी में तो हम एक बर्तन लेंगे और इसमें डालेंगे 2 ग्लास पानी। हर रेमेडी बनाने के लिए एकदम साफ पानी लें, तो मैंने यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर लिया है। अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 बाउल मिंट लीफ, यानी कि पुदीने की पत्तियाँ। बहुत ही कमाल का कंडीशनर ये बनने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो पुदीना की लीफ है ये होती है एंटीबैक्टीरियल। अब इसके बाद हम क्या ऐड करने वाले हैं? हम ऐड करने वाले हैं इसमें ये ग्रीन टी। ये ग्रीन टी के मैंने 2 बैग लिए हैं। ग्रीन टी भी बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, उसको कंडीशन करने के लिए, जो फ्रिजीनेस होती है बालों की उसको हटाने के लिए, स्मूथ और सिल्की बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी इसके अंदर, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के अंदर कमाल की रेमेडी मैं आप लोगों के लिए तैयार करूँगी, कमाल का कंडीशनर। तो ये मैंने डाल दी है इसमें ग्रीन टी। स्पून से इसे पानी में मिक्स कर लेंगे, गैस ऑन कर देंगे और इसके उबलने का वेट करेंगे। अभी यहाँ देखिए उबाल आना शुरू हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक लिड लेंगे और इसे ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे लगभग 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे ताकि जो पत्तियाँ हैं और हमने जो इसमें ग्रीन टी मिलाई है अच्छे से घुली रहे पानी के अंदर, इससे इसके सारे गुण पानी के अंदर आ जाएंगे। तो अभी मैं दोबारा से इसे ढक दूंगी और ढकने के बाद 2-3 मिनट के लिए और पका लूँगी। तो लगभग 5 से 7 मिनट मैंने मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से बॉईल किया है और आप देख सकते हैं जो मिंट लीफ हमने डाली थी कैसी हो गई है पहले से। जितना भी हमारा असर है रेमेडी का पानी में जा चुका है, तो बस अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसे ठंडा करके छानकर एक नॉर्मल वाटर में या स्प्रे बॉटल में डाल लेंगे। एक कंडीशनर तो तैयार हो गया। सेकेंड कंडीशनर के लिए हमने यहाँ पर लिया है डाबर का होममेड कोकोनट मिल्क। फ्रेंड्स इसके अंदर थोड़े से प्रिजर्वेटिव हैं, बट आप चाहें तो कोकोनट मिल्क घर पर भी निकाल सकते हैं। घर पर कैसे कोकोनट मिल्क निकालना है ये मैंने अपनी हेयर स्मूथनिंग क्रीम वाली वीडियो में डाला है, आप जाकर देख सकते हैं। ये जो कोकोनट मिल्क है ये आता है 200 ml की पैकिंग में और प्राइस है इसका 75 रुपीज़। और ये 1 हफ्ते आराम से चल जाएगा, 1 हफ्ते तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। चाहें तो कोकोनट मिल्क आप घर पर बनाएं वो और भी अच्छा होता है। अब एक स्प्रे बॉटल लेंगे और इसे हाफ डिस्टिल वाटर से भर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाफ भरा हुआ है मैंने ये, और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच कोकोनट मिल्क। ये फ्रिज से निकाला हुआ है मैंने इसलिए थोड़ा सा गाढ़ा है। अभी इसमें मिलाएंगे हनी, 1 चम्मच ही हनी मिलाएंगे। ये मेरी हनी की बॉटल है, गाँव से लाया हुआ एकदम प्योर हनी है, पता नहीं अभी मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे। तो अभी इस बॉटल के अंदर मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच प्योर हनी। फ्रेंड्स जो हनी होता है वो हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम को कम कर देता है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ जाती है। स्कैल्प को ये हेल्दी बनाता है और इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक क्वालिटीज़ भी होती हैं। वहीं जो कोकोनट मिल्क हमने इसके अंदर मिलाया है वो बालों को हेल्दी बनाता है, हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है और बालों की थिकनेस को भी बढ़ाता है। तो दोनों ही इंग्रीडियंट इसमें भी कमाल के हैं। अब हम इसका कैप लगा देंगे और बॉटल को अच्छे से शेक कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो कंडीशनर है उसके तीनों इंग्रीडियंट आपस में अच्छे से मिल जाएँ। तो ये लीजिए हमारा होममेड कोकोनट कंडीशनर भी तैयार हो गया है। आपको पता ही है मुझे कोकोनट मिल्क और कोकोनट ऑयल कितना पसंद है। चलिए अब डेमो भी देके दिखा देती हूँ आपको। बालों को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है ताकि मैं दोनों कंडीशनर यूज़ कर सकूँ। ये कंडीशनर आपको अप्लाई करने हैं गीले बालों में, तो जब भी आप शैम्पू कर लें उसके बाद अपने बालों को पैट ड्राई कर लें उसके बाद ये कंडीशनर आप स्प्रे से लगाएँ या फिर नॉर्मल हाथों में लेकर लगाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबके पास तो स्प्रे बॉटल अवेलेबल नहीं होती है ना, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। और ये रहा मेरे हेयर का दूसरा पार्ट, ये भी मैंने हेयर गीले कर लिए हैं और इस पर भी अभी स्प्रे कर लूँगी।
ये मिंट लिप वाला स्प्रे हम करेंगे इसके ऊपर। गर्मियों के हिसाब से बहुत अच्छा ये कंडीशनर है, मिंट लीफ और ग्रीन टी वाला, और कोकोनट, या इसमें से दोनों जो आपको सुटेबल लगे वो कंडीशनर आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही A1 हैं, दोनों ही बहुत ही कमाल का रिजल्ट देंगे, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो ये स्प्रे अप्लाई करने के बाद हमें 15 to 20 मिनट्स अपने बालों में ये कंडीशनर ऐसे ही रखना है, उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश करना है। अब मैं 20 मिनट्स बाद आपको इसके रिजल्ट दिखाती हूँ। तो अभी यहाँ पर देख रहे हैं आप मेरे हेयर की क्वालिटी, मैंने ये कंडीशनर अप्लाई किया और उसके बाद देखिए कितने शाइनी और सिल्की हो गए हैं। मेरे बालों की मैं केयर करती रहती हूँ इसलिए मेरे बाल ऑलरेडी अच्छे हैं, लेकिन आप करेंगे तो रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा आपको, तभी जाके आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे। और आप देखिए कितने शाइन कर रहे हैं बाल, एकदम सिल्की और स्मूथ हो गए हैं। और हेयर ग्रोथ में ही ये दोनों ही कंडीशनर बहुत हेल्प करने वाले हैं, तो एक बार ट्राई करके तो देखिएगा ज़रूर। एक तो आपके कंडीशनर के पैसे बच जाएंगे, दूसरा आपकी जो बालों की केयर है एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट से होगी वो, तो बना के फटाफट से ट्राई करें और मुझे रिजल्ट ज़रूर बताएं। तो ये दोनों कंडीशनर भी मैंने आपको दिखा दिए, इनके रिजल्ट्स भी मैंने आपको दिखा दिए। दोनों ही कंडीशनर आप फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। एक चीज़ है, किसी को अगर कोकोनट मिल्क सूट नहीं है तो बात अलग है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है इन नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करने में, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करने में। ये जो कोकोनट कंडीशनर है ना, ये ज़्यादा दिन के लिए स्टोर नहीं कर सकते हो आप, तो आपको क्या करना है, जो कोकोनट मिल्क है या तो आप बाज़ार से लेंगे या फिर घर पे बनाएंगे, दोनों ही कंडीशन में आपको कोकोनट मिल्क की आइस क्यूब बना के रखनी है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि कम से कम 1 महीना आप इसे चला सकते हैं। सबसे बेस्ट आइडिया दे रही हूँ मैं आपको कोकोनट मिल्क को स्टोर करने का, क्योंकि ज़्यादा नहीं चलता। तो आपको क्या करना है, आइस क्यूब बनाइए, क्योंकि मैंने इसके अंदर 1 चम्मच ही कोकोनट मिल्क डाला था, तो आपको 1 आइस क्यूब लेनी है और हैंड टू हैंड पानी में और हनी के साथ मिक्स करके ये कंडीशनर बना लेना है। आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपको अच्छा खासा कंडीशनर भी मिल जाएगा। और दूसरा बात करते हैं इस कंडीशनर की, इस कंडीशनर को तो आप 10 दिन तक आराम से यूज़ कर सकते हो। तो मैंने भी आपने देखा क्वांटिटी कितनी ली है, और मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ अपने बालों पर। ऐसा नहीं है कि मैं बाजार से लाया हुआ कंडीशनर ही यूज़ करूँगी, इसे यूज़ करूँगी बिल्कुल, दोनों कंडीशनर मैं अपने बालों पर यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे हेयर का आपने देखा ही होगा मैं नेचुरल प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करती हूँ, तो मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है, इसकी वजह से मेरे बाल अच्छे हैं। आप इसे यूज़ कर सकते हैं, 10 दिन तक इस कंडीशनर को स्टोर कर सकते हैं। ये जो कंडीशनर है पुदीना वाला, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हेयर प्रॉब्लम्स, डैंड्रफ से रिलेटेड ईचिंग प्रॉब्लम हो, फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको ये रिजॉल्व भी कर सकता है। तो इसके भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं, आप गर्मियों में तो इसे ज़रूर ट्राई करें, आपके बहुत काम आएगा ये। ये तो था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप सभी को पसंद आया हो, रिजल्ट्स अच्छे लगते हों, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगली जो मेरी वीडियो आने वाली है वो भी रिक्वेस्टेड वीडियो है, कुछ ऐसे लोगों की रिक्वेस्ट है वो, कि अगर मैं उनकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं करूंगी जल्दी से तो मुझे भगवान माफ़ नहीं करने वाले, तो बिल्कुल उनकी रिक्वेस्ट पे मैं लाने वाली हूँ। आप में से कुछ लोग हो भी सकता है कि समझ गए हों जिन्होंने रिक्वेस्ट किया हो, बाकी तो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो ही जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है, इसे एक थम्स अप देना है, नीचे रेड बटन उसे प्रेस करके मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब करना है, रेड बटन के बराबर में क्या है बेल आइकन, उसे प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपनी एक और यूजफुल वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।